हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और आज बहुत ही स्पेशल चीज़ बनने वाली है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ 1 लीटर दूध, और इसको सबसे पहले चलाते हुए उबाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए, अच्छे से ये उबल रहा है, एक दो बार बीच बीच में हमें चलाते रहना है। और ये है मेरे पास 100 ग्राम चावल, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, और ये पतला वाला चावल है। इसे बहुत लोग गोविंद भोग बोलते हैं या तुलसी फूल बोलते हैं, मतलब ये कच्चा राइस है। तो इसको धो करके इसमें डालना है, और फिर से हम इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से चलाना है, 1-1 मिनट के बाद हम इसे चलाएँगे। तो इसे इस तरीके से चलाते रहना है, और तब तक चलाना है, मतलब पकाना है, जब तक इसके अंदर जो चावल डालें ना वो अच्छे से पक ना जाए। यहाँ पे इस तरीके से इसे चलाते रहेंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे, और बीच बीच में इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद इसे अच्छे से चला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से चलाना है, और 5 से 7 मिनट के बाद जो है ना, ये चावल अच्छे से पक चुका है, ऑलमोस्ट पक चुका है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा चावल लेंगे और अपने फिंगर पे डाल के इसे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से फिंगर पे डालेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो ये देखिए चावल जो है ना अच्छे से एकदम मैश हो रहा है। तो चावल पक चुका है ऑलमोस्ट, फिर भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे और भी पका लेंगे। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी, आप इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ये रेसिपी बनके तैयार होती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, फाइनली जो है ना, मेरी चावल अच्छे से पक चुकी थी, और मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से निकालना है, और अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम जैगरी, मतलब गुड़। गुड़ को मैंने पतला पतला चॉप कर लिया है, और यहाँ पे इस तरीके से इसे डालेंगे और चलाते रहेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक इसे हम एक ही तरीके से चलाएंगे, तो ये गुड़ को जो मैंने इसमें डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी गर्म है, और गुड़ अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगा। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये गुड़ वाली खीर बनी है। कई लोग बनाते हैं गुड़ की खीर, तो बोलते हैं फट जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं गुड़ वाली खीर बनाने में, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस तरीके से एक बार बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है ये गुड़ की खीर। और यहाँ पे देखिए, चलाते चलाते इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो इस तरीके से सिर्फ चलाना है, और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी आपकी बनके तैयार होगी। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो फाइनली मेरी गुड़ की जो खीर है ना, वो अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। और इसके अंदर आप चाहो तो ड्राई फ्रूट डालो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, मतलब बादाम को सिर्फ कट करके डाल रही हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसे इसमें डालो और फुल एंजॉय करो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक।